वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ। आज डेली लाइफ की ही एक डेली डिनर आइटम आपको बना के दिखा रही हूँ। एक तड़का सबके घरों में बनता है, वेरी इजी। तो ये एक तड़का बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गोटा मूंग दाल को मैंने बॉईल करके रखा है, नमक और हल्दी दे के बॉईल करके रखा है, इसी से तड़का बनाना है। नमक और ये एग को मैंने फ्राई करके अंडा की तरह बना के उसको भुर्जी करके रखा हुआ, कटिंग करके। ये है एक तड़का मसाला, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ मैं आपको, वेरी इजी, डेली आप सब भी अपने घर में बनाते हैं। तो आज देखिए मेरे हिसाब से बना के मैं कैसे बनाती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने तेल को गर्म करके रखा है, कोई भी तेल आप लीजिए, या सरसों का तेल लीजिए या वेजिटेबल्स ऑयल लीजिए। उसके बाद तेल जब गर्म हो जाए तो आप उसमें सबसे पहले प्याज को ऐड कर दीजिए। ऑनियन को हल्का सा फ्राई कीजिए, आप हल्का सा सौते कीजिए, जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब हम इसमें हरी मिर्च को ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज हल्के गोल्डन हो रहे हैं, अब मैं इसमें हरी मिर्च को ऐड करूंगी। हरी मिर्च आप अपने अनुसार दीजिए, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप ज्यादा झाल खाना चाहते हैं तो ज्यादा डालिए, कम झाल खाना चाहते हैं, कम तीखा खाना चाहते हैं तो कम डालिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो प्याज और हरी मिर्च जब हल्के फ्राई हो जाए तो आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं या अदरक लहसुन को हल्का सा चॉप करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ था तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, दो चम्मच, दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। थोड़ी सी नमक भी मैंने ऐड कर दिया इसमें, थोड़ी सी नमक भी मैंने मिक्स कर दिया। अब जब ये फ्राई हो जाए तब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छा से इसमें फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अब मैं इसमें तड़का मसाला ऐड करूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने प्याज डाला, फिर हरी मिर्च डाली, हल्का सा फ्राई होने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली मैं, वो भी जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो टमाटर ऐड कीजिए। टमाटर जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें तड़का मसाला को ऐड करेंगे। देखिए अब ये सब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर भी फ्राई हो गया है, सब
टमाटर का मसाला भी फ्राई हो गया अच्छी तरह से, नमक भी ऐड कर दिया मैंने, सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके। अब मैं इसमें जो मूंग की दाल को गोटा मूंग की दाल को, साबुत मूंग की दाल को जो मैंने उबाल के रखा था, नमक और हल्दी दे करके मैंने साबुत मूंग की दाल को उबाल के रखा था, अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको आप धीमी आंच पे हल्के हल्के फ्राई कीजिए। तो अब ये साबुत मूंग की दाल को मैंने डाला, अब इसको धीमी आंचों में मैं हल्का हल्का करके फ्राई करूंगी। तो कंटिन्यूअस आप चलाते रहिए, नहीं तो ये आपके पैन में लग जाने का डर रहता है। इस स्टेज में मैं ये जो मैंने ऑमलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए अब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। डेली लाइफ का एक आइटम है, इसलिए मैंने इसको आज आपके साथ शेयर किया है। हमारे चैनल का नाम है डेली लाइफ, आप इसे जरूर देखिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसलिए घर में जो सामान मौजूद हो उसी से अभी हम छोटा छोटा आइटम्स आपको दिखा रहे हैं। आप इस तरह से बना के देखिए, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। बहुत ही इजी है, बहुत झटपट से बन जाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब ये थोड़े से मैं इसको बॉईल कर लूंगी ढक करके, बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको ढक दे रही हूँ जस्ट फॉर 2 मिनट्स, थोड़े से उबल जाए सारे मसाले, पूरा ऐड हो जाए, बस फिर ये हो जाएगा। तो देखते हैं अब ये बन गया। हाँ देखिए, नाउ इट इज ऑलमोस्ट डन। ये बन गया हमारा एक तड़का। अब मैं इसको ऐसे ही ढक दूंगी
ढक के मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा रेसिपी? अगर आपको पसंद आए एक तड़का, आप भी ट्राई कीजिए अपने घरों में। बहुत इजी है, एकदम झटपट से बन जाते हैं, डेली लाइफ का आइटम है, इसीलिए मैं डेली लाइफ में दिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डेली लाइफ आवर चैनल। थैंक यू।